राजधानी रायपुर के मुजगन थाना क्षेत्र के डुंडा स्थित एक्सिस बैंक में हुए फर्जीवाड़े मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 3,52,00,000 रुपए जब्त किए गए हैं। यह रकम अलग अलग बैंक खातों में जमा कराई गई थी। कोंडागांव जिले के फरसगांव थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित कार खड़ी ट्रक के पीछे घुस गई। इससे कार सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। कोरबा जिले की कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के रामसागर पारा से चोरी हुई एक्टिवा को चोरी करने वाले एक नाबालिग को पकड़कर उसके पास से चोरी की एक्टिवा बरामद की है। बुधवार को 407 गाड़ी में पखांजूर से नारायणपुर मछली लेकर आ रही गाड़ी के चालक द्वारा गाड़ी का ब्रेक लगाने के दौरान ब्रेक चिपक जाने से गाड़ी भरंडा थाने से 1 किलोमीटर दूर जाकर पलट गई। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। जांजगीर जेल से भागे अपराधी को गरियाबंद पुलिस की स्पेशल टीम ने पकड़कर जांजगीर पुलिस के सुपुर्द किया है। गरियाबंद SP GR ठाकुर के निर्देशन में पुलिस ने ये कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने आरोपी को जांजगीर पुलिस को सौंप दिया है। सूरजपुर जिले की सलका चौकी पुलिस ने खेत की सिंचाई में लगे सोलर पैनल मोटर पंप को चोरी करने वाले आरोपी सोनू उर्फ सोनू मोनू व दिनेश उर्फ लड्डू सोनी को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी का सामान जब्त किया है। सूरजपुर जिले की रामानंद नगर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कृषि योग्य पशु को क्रूरतापूर्ण भरकर दिगर राज्य की ओर ले जा रहे ट्रक को ग्राम परशुरामपुर में पकड़कर 10 नग भैंसा और 13 नग भैंस के साथ 2 आरोपियों को चांद मोहम्मद और निजाम खान को गिरफ्तार किया है। बालोद जिले की कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित करही भदर गाँव में 4 महीने पहले हुई मारपीट की घटना में इलाज के दौरान एक अधेड़ की जान चली गई, जिसके बाद बालोद पुलिस ने मारपीट कर हत्या के आरोप में 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। रायगढ़ जिले के सारंगढ़ थाना प्रभारी ने मुखबिर की सूचना पर उड़ीसा से बाइक में गांजा लेकर आ रहे रामराज कहरा नामक आरोपी को बरमकेला रोड ग्राम विजयपुर के आजाद पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी कर पकड़कर उसके पास से 40,000 रुपए कीमत का गांजा जब्त किया गया है। बलौदा बाजार जिले के कसजोल थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम टेमरी में महुआ शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर 80 लीटर महुआ शराब जब्त कर भारी मात्रा में महुआ शराब बनाने का सामान नष्ट किया है। बीजापुर जिले के तोयनार थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत मोरमेड़ के सरपंच का नक्सलियों ने अपहरण कर कुछ देर बाद धारदार हथियार से हमला कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। इस घटना की पुष्टि बीजापुर पुलिस अधीक्षक अजनेय वासने ने की है। रायगढ़ जिले से 2 नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर दोनों को जयपुर बेचने के लिए सुपरफास्ट ट्रेन से जा रहे 2 आरोपियों को रेलवे सुरक्षा बल अनूपपुर ने ट्रेन में छापा मारकर दोनों मानव तस्कर को गिरफ्तार कर नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया है। महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान उड़ीसा की ओर से आ रही एक ट्रक को ग्राम बैतारी में रोककर उसकी जांच कर ट्रक में लोड 15,95,000 रुपए कीमत का 29 टन अवैध कबाड़ जब्त कर 2 आरोपी रामदयाल यादव व भैयालाल विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चापा में बुधवार को तेज रफ्तार बस ने सड़क किनारे जा रहे बाइक सवार को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद चालक बाइक सहित बस के नीचे फंस गया और घिसटता हुआ चला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अधेड़ को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। धमतरी जिले की कुरुत पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली चोरी करने वाले 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से चोरी के ट्रैक्टर ट्राली को पुलिस ने जब्त कर लिया है। 3 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।
धमतरी नगरी रोड पर रेसर बाइक से लौटते युवक सड़क किनारे बैठे मवेशियों से टकरा गए। चालक के सिर में हेलमेट लगाया था, इसलिए उसकी जान तो बच गई, लेकिन टक्कर से गाय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दंतेवाड़ा जिले के बचली थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में घर की बाड़ी में लगे चैनलिंग जाली को चोरी करने वाले दो आरोपी को बचेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए गए दो चैनलिंग बंडल और बाइक जब्त कर लिया है। बिलासपुर नगर निगम के महापौर रामशरण यादव ने निगम के अफसरों को शहर के सभी नर्सिंग होम का सर्वे करने का है, जहां पार्किंग की सुविधा नहीं है उनकी सूची तैयार कर कार्रवाई की जाएगी। बलौदा बाजार जिले के मंडी रोड स्थित विमल होटल में देर रात शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग लगने से होटल में रखे गैस के सिलेंडर, फ्रिज और फ्रीजर का कंप्रेसर फटा तो धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जीपीएफ घोटाला सामने आया है। यद्यपि मामला पुराना है, लेकिन पुलिस अधीक्षक ने जांच का आदेश दिया है। साथ ही फंड विभाग में पदस्थ महिला क्लर्क को लाइन अटैच कर दिया गया। राजस्थान के उदयपुर में युवक की हत्या की घटना को लेकर रायपुर जिले में पुलिस अलर्ट है। इंटरनेट मीडिया पर पुलिस पैनी नजर रखे हुए है। एसएसपी ने लोगों को घटना के संबंध में भ्रामक जानकारी और पोस्ट को शेयर नहीं करने की अपील की है। बिलासपुर शहर में एक बार फिर वाहनों से साइलेंसर चोरी करने वाले चोर सक्रिय हो गए हैं। 2 दिन पहले चोरों ने विश्वविद्यालय के कर्मचारी की कार से साइलेंसर का पार्ट पार कर दिया। इससे पहले चोरों ने उसलापुर और सरकंडा क्षेत्र में 2 वाहनों को निशाना बनाया था। भिलाई नगर थाने में आरक्षक उपेंद्र राठौर के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। आरक्षक उपेंद्र राठौर ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने का झांसा देकर 5 साल तक शारीरिक शोषण किया, अब शादी करने से इनकार कर रहा है। दुर्ग जिले के धमदा ब्लॉक के एक ग्राम में समिति प्रबंधक के पद पर कार्यरत महिला ने नेवई थाने में एक तहसीलदार के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। महिला ने आरोप लगाया कि पूर्व में धमदा में पदस्थ तहसीलदार देवेंद्र कुमार ने उससे शादी करने का झांसा देकर 5 सालों तक शारीरिक संबंध बनाया, जबकि वह शादीशुदा है। कुमारी थाना अंतर्गत ढाबे में 1 जून 2021 को ही हत्या के मामले में बुधवार को फैसला आया। आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास से दंडित किया। मृतक रवि की हत्या उसके छोटे भाई लोकेश यादव ने की थी।